आज की वीडियो में हम विटामिन सी यानी के एस्कोर्बिक एसिड या फिर विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन सी बहुत सी रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये एक रेशादार यानी के फिब्रियस प्रोटीन यानी कोलेजन के बनाने के लिए ज़रूरी है। कोलेजन कनेक्टिव टिश्यूज़ को मजबूती देता है। ज़ख्मों के बनने के लिए भी कोलेजन की ज़रूरत होती है। वाइट ब्लड सेल्स में विटामिन सी जिस्म के इम्यून सिस्टम के फाल के लिए ज़रूरी है। लेफ्ट पे देखें, मसल्स में विटामिन सी की मकदार बहुत कम होती है। चूँकि गोश्त मसल्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए विटामिन सी का अच्छा ज़रिया नहीं है। यानी कि विटामिन सी के लिए गोश्त ज़रूरी नहीं है। हम विटामिन सी को सिट्रस फलों मसलन माल्टा, ग्रेप फ्रूट, चकोतरे और लीमू, पत्तों वाली सब्जियां, गाय के जिगर वगैरह से हासिल करते हैं। इसकी कमी से सारे जिस्म में कनेक्टिव टिश्यू में तब्दीली आती है। एक बीमारी स्कर्वी भी इसकी कमी से होती है, जिसमें तैयार करीदा कोलेजन बहुत गैर मुस्तकम होता है। स्कर्वी की अलामत मसल और जोड़ों में दर्द, सूजे हुए और खून रस्ते, ब्लीडिंग मसूड़े, ज़ख्म का आहिस्ता मुंतबल होना और खुश्क जल्द है। विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। इस विटामिन का सबसे अहम काम खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मकदारों को कंट्रोल करना है। विटामिन डी जो है मिनरल्स का कॉन्स्टेंटाइंस से इंजजाब और हड्डियों में जमा होने को बढ़ाता है। ये विटामिन मछली के जिगर के तेल, दूध, घी और मक्खन वगैरह में पाया जाता है। हमारी जिल्द भी इस विटामिन को तैयार करती है। जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज को इस्तेमाल करके कंपाउंड को विटामिन डी में तब्दील कर दिया जाता है। विटामिन डी की लंबे अरसे तक कमी हड्डियों पर असर रखती है। बच्चों में इसकी कमी से बीमारी रिक्ट्स हो जाती है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और दबाव वाली जगहों पर मुड़ जाती हैं। बड़ों में इस विटामिन की कमी से बीमारी ऑस्टियोमलेशिया होती है। इसमें हड्डियाँ नरम हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। सो विटामिन डी भी ज़रूरी है। दूध खाना है, सॉरी दूध पीना है, मक्खन खाना है, घी खाना है और मछली का जिगर खाना है। और अगर बात करें विटामिन ए की, वो हमारी आँखों के लिए ज़रूरी है। उसके लिए आप पालक खाएं, गाजरें खाएं, दूध पिए, ठीक है। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।